<laughs> <laughs> Assalamu Alaikum, Diploma Second Semester Students. Hope that you all will find happy and be safe from COVID 19. Well, I'm Dr. Iftikhar Ali and I'm present in today's Pharmacology New Chapter, New Lecture that is uh, chemotherapy, that is to start antibiotics. Antibiotics after the chapter bronchodilators the new chapter is antibiotics under which these four terminology we will discuss in detail chemotherapy antimicrobial agents third one antibiotics and the last one antibacterials so chemotherapy chemotherapy as the name indicate chemotherapy therapy or treatment through chemicals, the treatment of <coughs> the treatment of disease by means of chemicals that have a specific toxic effect upon the disease producing organism or that selectively destroy cancerous tissue. Chemotherapy, the treatment of disease by means of chemicals. दैट हैव अ स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन द डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम और दैट सेलेक्चुअली डिस्ट्रॉय कैंसियस टिश्यू सो केमीथेरेपी का मतलब है केमिकल्स के जरिए इलाज डेफिनेशन को देख देखिएगा द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ बाई मीन्ज ऑफ केमिकल दैट हैव स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम तो ये कीम्योथेरेपी का जो डिफिनेशन है वो दो पार्ट में दो पार्ट पर शामिल है पर मुश्तमिल है एक में है द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ बाय मींस ऑफ केमिकल दैट हैव अ स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपान द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम मतलब है द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज किसी बीमारी का इलाज बाय मीन ऑफ केमिकल्स केमिकल्स के जरिए यानी दवाई के जरिए दैट है स्पेसिफिक टॉक्सिक एपिक अपॉन द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जिसका जहरीला असर अद्वितीय असर सिर्फ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम के ऊपर हो जो ये बीमारी काज करता है एग्जाम्पल क्या है सलमोनीला टाइफोसा बैक्टीरिया है टाइफाइड यानी म्यादी बुखार कास करता है और इसके लिए हम सिप्रोप्लाक्सन लेते हैं तो ये सिप्रोप्लाक्सिन के ज़रिए जो टाइफाइड या म्यादी बुखार का जो इलाज है इसको केमोथेरापी कहते हैं जिसमें केमिकल सिप्रोप्लाक्सिन है माइक्रो आर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइपोसा या साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है और जो जो बैक्टीरिया है वो सालमोनीला टाइफी है सेप्रोपलॉक्सिन जो है ये केमिकल है और इस थेरेपी इलाज को हम कीमोथेरेपी कहते हैं दूसरा केमिकोथेरेपी क्या है कीमोथेरेपी दैट सेलेक्चुअली डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू या उसको हम भी उसको भी हम कीमोथेरेपी कहते हैं जिसमें कैंसर की ख़ास सेल यानी सेलेक्चुअली का मतलब ये है कि ये सिर्फ कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करता हो तो इसको हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं दूसरे दूसरे दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कंपाउंड्स दैट आर यूज टू किल और इनहेबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपाउंड्स एंटी माइक्रोबियल आर द कंपाउंड टू किल और ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म और सिंपली माइक्रोब्स आर सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कोई भी कह सकते हैं तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डिफिनीशन के लिहाज से वो एजेंट्स है वो कंपाउंड्स है जो कि माइक्रोबियल आर्गेनिज्म या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम को किल करता है या उसके अफजाइश नस्ल या ग्रोथ को इनहिबिट या स्टॉप करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो कंपाउंड्स है वो अद्वियात है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारते हैं या उसकी ग्रोथ को अफजाइशी नस्ल को बढ़ने को रोकता है अच्छा जी फिर है एंटीबायोटिक्स जो कि हमारा मेन फोकस है एंटीबायोटिक्स थर्ड वन एंटीबायोटिक्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन केल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बहुत सादा लिखा है इन लोगों ने एंटीबायोटिक्स सब्स्टांसिस और कंपाउंड्स दोनों आप लिख सकते हैं कह सकते समस्टांसिस प्रोड्यूस बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दट केल और इनहेबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम यानी इसका मतलब है वो कंपाउंड जो कि बास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं जिसके जरिए दूसरे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम मार मार दिए जाते हैं या उसके ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है जो मारते हैं उसको बैक्टेरियोसाइडल कहते हैं और जो ग्रोथ स्टॉप करता है उसको बैक्टेरियो स्टेट कहते हैं स्टेट मीन रोकना पर है एंटीबैक्टेरियल्स एंटीबैक्टेरियल रेफर टू तो सब्सटेंसेस दैट एक्ट अगेंस्ट बैक्टेरिया एंटीबैक्टेरियल में वो तमाम सब्सटेंस जो कि खास स्पेशली बैक्टेरिया के खिलाफ यूज होते हैं उसको एंटीबिक्टेरियल कहते हैं دننچکم کی ټاپک دی زمونګه اغه انټيبيټک مونږ شروع کول انټيبيټک کیړو منی مونږ د روسټو انټيبيټک په ښه انوادي سټډي کول د پارا مونږ د بیاو شورترمنالوجي وایو چې کیموټراپی شې دی کیموټراپی کیموټراپی د هر هغه بيمارې علاج دی لشي چې هغه د مایکرو ارګانزم نه خوړیږي چې په اګه کې مونږه د یو سپیسیفک د یو محسوس کیمیکل په ذریعہ واندی یو محسوس مایکرو ارګنزم یا د غي ګروپ وجنو یا د غروټ سټاپ کو یا بل ډیفیینیشن یاده دي چې په اګه کې مونږه سپیسیفکلی یا محسوس کانسره ټیشو یعنی د هیلثی ټیشو نه الیاوه مونږ صرف د کانسره ټیشو د لپاره وژلو د لپاره ختمول د لپاره چې کوم علاج کو اګه تک کیمو therapies anti microbial agents anti microbial agents agha tool compounds da vilishi agha da microbial agents acha microbial organism da tool antiviral viral virus bacteria fungi helments yani kire mkoori chingi da tool de ki shamil de da para da de da wajlo ya inhibit kol da para chkam da bayan istemal kiya tool da anti microbial agents vilishi chade chapter kemaunga number 1 ho ayu antibiotics are substances ya compounds agha munga da baz micro organism na hasilo aw pagwan deer micro organism ya pe mukammal wajnu ya da aghi growth stop ko de ta antibiotics wele really, shi antibacterials refers to substances that can act that act against bacteria antibac antibacterials هغه سبستانس صرف هغه سبستانس ته ویلي شي چې د ویکټيريا خلاف کارول شيږي د زمونږن لیکچر وو ان شاء الله سوال لوممغه antibiotics باندې د هغه په کلاسिफिकेशन جنرال کلاسिफिकेशन باندې خبر وکړو زاندې خیال ساته الله په ومن